morning students. Last time हमने क्या किया था? Articles किए थे जिसमें only a का use किया था. आज हम करेंगे and का use. And कहाँ का use होता है? ये हम सीखेंगे कि and का use कौन से sentences में होता है, कैसे होता है. And का use जो हमारे vowel sounds होते हैं. Vowels होते हैं हमारे a, e, i, o. जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं, ठीक है? स्वर अ आ ए, ठीक है? जो एन है वो हमारा जब वोवल साउंड हो तब यूज होता है. जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला. ये वर्ड को अकेले होने का एहसास दिला रहे हैं. जैसे एन एप्पल, जब हम एक एप्पल की बात करते हैं तो उसके आगे क्या लगता है? एन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वोवल साउंड, ठीक है? एन ईगल, एन ऑरेंज. जब एक ऑरेंज की बात होती है तब आगे क्या आता है? एन. एन आ, इसमें आगे क्या है? वोवल तो नहीं है आगे, आगे कौन सोनेट है? पर इसमें क्या है? एच क्या है? साइलेंट. एच साइलेंट है तो साउंड किसकी आ रही है? ओ की. तो क्या आगे बोलेंगे इसको? एन आ, ठीक है? एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन. इसमें भी क्या है? एच साइलेंट है, इसीलिए आवाज क्या आ रही है? साउंड वोवल साउंड आ रही है. ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन. ऐसे इनमें एन का यूज होता है. अब हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे वुड यू लाइक एन आइसक्रीम? इसलिए एन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि आगे क्या है? वोवल है. आई, आई हमारा क्या है? वोवल साउंड. इसमें एन क्यों यूज हुआ है? इसमें भी क्या है? वोवल साउंड है. आर, एच क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं, इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? एन. समझ आया आपको? एन का यूज होता है जब वोवल साउंड की सेंटेंसेस में वोवल की साउंड निकलती है. जैसे स्वर अ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब यूज होते हैं. इनमें एन यूज होता है, ठीक है? ये हमें क्या ऐसा दिला रहा है? वर्ड को अकेले होने का. जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ईगल, एन ऑरेंजेस. ऑरेंजेस अगर यहाँ पे प्लूरल ज्यादा